खबर पुरनपुर पीलीभीत से, जहां आसाम हाईवे पर पीलीभीत की ओर से आ रही कार और ट्रैक्टर ट्राली की भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार चार लोग घायल हो गए थे और हाईवे के किनारे पड़े थे। पुलिस अधीक्षक ने घायलों को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। एक की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुरनपुर आसाम हाईवे कुमार राइस मिल के पास भूसा भरी ट्रैक्टर ट्राली और कार की भिड़ंत हो गई, जिसमें चार लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार पीलीभीत की ओर से आ रही थी, जैसे ही पुरनपुर पहुंची तभी सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्राली चालक मौके से मौका पाकर फरार हो गया। कार सवार सभी घायल हाईवे के किनारे पड़े थे। कोतवाली का निरीक्षण करके लौट रहे पुलिस अधीक्षक ने घायलों को देखकर अपनी गाड़ी को रोक लिया और सभी घायलों को पुलिस की गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया। घटना होने के बाद हाईवे पर जाम लग गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों को निर्देशित कर ट्रैक्टर ट्राली और कार को साइड पर हटवा दिया गया, जिसके बाद जाम खुल गया, यातायात दोबारा से शुरू हो गया। सभी घायलों का डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर घर भेज दिया और शिवनगर निवासी सोनू की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुरनपुर सीएससी डॉक्टर अनिकेत ने बताया कि पुलिस के द्वारा चार लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें तीन लोग मामूली घायल थे और सोनू की हालत गंभीर होने पर फर्स्ट ट्रीटमेंट देकर उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।